हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम जाने वाले हैं फीफी आइलैंड, और जहाँ पे जो है शूटिंग हुई थी कहो ना प्यार मूवी की। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फीफी आइलैंड, और बहुत ही प्यारा आइलैंड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो गाइज, अभी जो है हम जो है बोट पे पहुंच चुके हैं, जो हमें ये बोट जो है वो लेके जाएगी फीफी आइलैंड तक। तो यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो फीफी आइलैंड का पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन रहती है और क्या अपग्रेडेशन जो है आप करा सकते हो। तो बेसिकली जो भी आपको पैकेज होता है वो इकोनॉमिक क्लास का होता है, बट यहाँ पे आके जो है आपको ऑप्शंस मिल जाती है कि आप जो है उसको अपग्रेड करा सकते हो गोल्ड तक, ठीक है। और जो गोल्ड के प्राइजेस है, जैसे मेरा ये पहले था ग्रीन कलर का, तो ग्रीन हो गया इकोनॉमी। सो इकोनॉमी से अगर आप गोल्ड में करा रहे हो, ये गोल्ड सीट का है, तो आपके जो चार्जेस हैं वो अराउंड है 800 baht। तो वहाँ पे जाके आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं, यहाँ पे करा लोगे तो आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और तो गाइज, आप जो है यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी जो है आपको जो है सही प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप आइलैंड में लेते हो तो वहाँ पे कॉस्टली है, वहाँ पे अराउंड है 4000 baht पर पर्सन, और यहाँ पे आपको सिर्फ मिल जाएगी 1900 baht पर पर्सन। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको कितना कैश लाना है यहाँ पे जो है आपका सफिशेंट रहेगा, या फिर कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे कैश रखो, बिकॉज जो कार्ड में जो है एडिशनल फी 1000 baht पर पर्सन हर उस पे जो है ट्रांजेक्शन पे लगेगी, तो वो अवॉइड करने के लिए जो है आप यहाँ पे कैश अप्रॉक्सीमेट 8000 to 10000 baht पर पर्सन लेके चलो, जो कि मतलब आपके पूरे ट्रिप में जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो आप कैश में कवर कर सकते हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर रही होगी। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं गोल्ड बेसिकली क्लास के, वो यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी डाल दूंगी कि क्या क्या वो इंक्लूजन है, और साथ में जो है मैं अंदर का व्यू दिखाती हूँ। वहाँ पे जो आपको सीट्स थोड़ी अपग्रेड मिल जाएंगी, लाइक मसाजर काइंड ऑफ ए थिंग, और फूड ड्रिंक्स वगैरह सर्व होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, और बाद में मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड की, और साथ में जो है फीफी आइलैंड का टूर। अभी हमने मसाजर बटन ऑन किया है, आई शो यू द बटन। और मैं आपको देख सकती हूँ रिलैक्स करके, ये तो फुल ऐसे कॉकपिट में बैठ जाते हैं ना फ्लाइट में। तो बोलूँ कि आप यू मस्ट अपग्रेड योर प्लान, और फोल्ड में आइए और फुल वर्थ है आपका। आपको थकावट होगी नहीं, क्योंकि वैसे भी आप स्कूबा डाइविंग करोगे, आप अच्छा लोगे, क्योंकि वहाँ पर कई सारे आइलैंड है फीफी में। सो आप थकावट होने के बाद वापस भी आओगे, तो यू नीड दिस काइंड ऑफ मसाज। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है फीफी के हमारे दो आइलैंड्स है बेसिकली। ये है फीफी डॉक, और आगे जाके जो है वो है फीफी लेन। तो यहाँ पे हम बाद में जाएंगे भी, बट यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। अभी जो है फीफी आइलैंड के अनदर आइलैंड है, दैट्स कॉल्ड माया बे, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ थाईलैंड आई हैव एवर सीन। मतलब बहुत प्यारा है, मैं आपको जो है सिनेमैटिक व्यूज डालूंगी, पता नहीं कैमरे में जो है जस्टिफिकेशन हो पाएगा उतना कि नहीं, बट नेक्ड आई से सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
अभी हम स्टैंड बाय मोड पे हैं और मैं जा रहा हूँ उसको बड़ाइव करने के लिए, और मैम को भी बोला था, बट मैम देखिए अगर थोड़ा करेज स्ट्रेंथ आती है तो उनको पुश करेंगे स्कूबा के लिए। सो गाइस आई एम रेडी एंड आई होप मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे और मेरी स्ट्रेंथ बनी रहे, बस कुछ बीच में पैनिक सिचुएशन ना आए, और लेट्स होप कि सारा अतर अंदर वाटर के अंदर मैं जितना ज़्यादा जा सकता हूँ 3 मीटर 4 फीट, लेट्स सी कहाँ पे जा सकते हैं और अच्छे अच्छे शॉट्स मैं कैप्चर कर पाऊँ, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Thank you so much. It was a good experience. Your good name? Sapara. Sapara. So it was an amazing experience and we thoroughly enjoyed it. We surely come again. So guys, we are try kar rahe hain kuch different type ke ice cream jo ki coconut ke andar bana ke dete hain. ये जो है मैंने टॉपिंग कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है, सो यू मस्ट ट्राई दिस। सो गाइस ये था सारा फिफी आइलैंड का टूर जो हमने आपको दिया विद डिटेल्स। अभी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी थिंग, सो आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्विक आप रिप्लाई के लिए या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं भी कर सकते हैं। और बहुत सुंदर आइलैंड है, मतलब पता नहीं कैमरा उतना जस्टिफिकेशन कर पाया कि नहीं, बट नेक टाई से बहुत प्यारा आइलैंड है। यू शुड विजिट दिस वन। So you should consider this place as well in your bucket list. और जब भी आएँ ये पेरेंट कवर कीजिए प्रॉपर से, टाइम निकाल के आएँ। हाँ, कुछ डूज एंड चेक्स हैं जो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा नीचे, और बेसिक मैनिटी आने से पहले। बट अभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉग लंबा ना हो, हम इसे यहीं पर क्लोज करते हैं, और भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ और कमेंट करना हमारी थाईलैंड सीरीज आपको कैसी लगी। तभी हम नेक्स्ट ट्रिप पर भी आपको पहले ही अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। Till then, sign off. Bye-bye. Bye-bye.